आपका बैंक लोन अप्रूव होगा कि नहीं होगा, या फिर आप क्रेडिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो कितने लिमिट का मिलेगा, ये सब तय होता है आपके सिविल स्कोर से। सिविल स्कोर 300 से 900 अंकों के बीच की संख्या होती है जो आप क्रेडिट योग्यता को दर्शाती है। यहाँ पर आपका स्कोर जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी ही आपका लोन अप होगा और आपको यहाँ पर कम इंटरेस्ट भी पे करने होंगे। अधिकतर बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 750 के न्यूनतम क्रेडिट स्कोर को बेस्ट मानती है। अगर इसे आसान भाषा में समझे फ्रेंड्स, सिविल स्कोर क्या होता है, तो फ्रेंड्स अगर हमें कभी पैसों की जरूरत होती है तो ऐसे में हम किसी फैमिली मेंबर से ले लेते हैं, किसी रिलेटिव से पैसे ले लेते हैं, या फिर किसी फ्रेंड से पैसे ले लेते हैं। अगर ये अमाउंट कम हुआ तो सभी आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा अमाउंट पैसे की जरूरत है तो ऐसे में फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन जब कभी आप अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी पैसे लेते हैं तो वो आपकी पास्ट की हिस्ट्री, आपका व्यवहार और आपके कमाने के तरीकों को देखने के बाद तय करते हैं कि आप पैसा कितना देना चाहिए, कितने समय के लिए देना चाहिए, ये सभी डिसाइड करने के बाद वो आपको पैसा देते हैं। अगर आपकी निगेटिव जानकारी है उनके पास कि आप पैसा लेने और देने के मामले में सही व्यक्ति नहीं है, आप लोगों का पैसा समय पर नहीं लौटाते, तो ऐसे में बहुत कम चांस हो जाते हैं और बहुत कम रिलेटिव हो जाते हैं और बहुत कम फैमिली मेंबर्स भी हो जाते हैं जो आप पैसे दें। लेकिन अब ये बात बैंक को या फिर क्रेडिट कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट को कैसे पता चलेगी कि आप पैसे के मामले में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप लोगों का समय पे पैसा लौटा देते हैं, आपको जितना पैसा दिया जा रहा है आपका पेमेंट समय पे कर देंगे। यहाँ पर काम आता है सिविल स्कोर, जो 300 से 900 के अंकों के बीच की संख्या होती है। कहने का मीन सिविल स्कोर 300 से शुरू होता है और 900 के अंकों के बीच तक ही रहता है। अब अगर आपको किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना है तो ऐसे में आपका 750 सिविल स्कोर होना जरूरी है। 750 से कम अगर सिविल स्कोर है तो ऐसे में आपको लोन मिलने के चांस कम हो जाते हैं। यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 900 के बीच में है तब तो आप लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। 750 से 500 के बीच में है तो आप लोन मिलने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये नंबर जितना ज्यादा होगा आप लोन उतनी आसानी से मिल जाएगा और साथ ही साथ कम इंटरेस्ट में भी आप लोन मिल जाएगा। सिविल स्कोर का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, या भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो आपके लोन लेने की क्षमता को दिखाती है, जो आपके लोन पेमेंट की हिस्ट्री को मंथली बेसिस पे अपने पास रिकॉर्ड करके रखती है। अब जब भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आपके सिविल स्कोर की जरूरत होती है तो इसी क्रेडिट एजेंसी से वो आपके सिविल स्कोर की जानकारी ले लेती है। बात आती है कि अब आपका सिविल स्कोर कैसे बनता है। किसी भी सिविल स्कोर को इस बात पर निर्धारित किया जाता है कि आप समय पर लोन चुका रहे हैं या नहीं। यदि आप वक्त पर लोन चुका रहे हैं तो इस पर आपको 30%, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन पर 25%, क्रेडिट एक्सपोजर पर 25% और लोन के इस्तेमाल पर आप 20% सिविल स्कोर बनता है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो ऐसे में आप बैंक को लोन नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसे सुधार करके बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन आपको अर्जेंट में पैसे की जरूरत है तो ऐसे में आप सिविल स्कोर खराब होने के बाद आप कैसे लोन ले सकते हैं, इसके लिए आप एनबीएफसी में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एनबीएफसी में आपसे काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा आप गोल्ड लोन, फिक्स डिपॉजिट के बदले पर्सनल लोन, बीमा पॉलिसी के जरिए लोन, पीयर टू पीयर के जरिए आप लोन ले सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो गया है तो आप कैसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम यही करना होगा कि आप जितनी भी ईएमआई है, जितने भी आपके लोन है, उन सभी की ईएमआई समय पे पेमेंट करिए, लेट नहीं करना है। जो भी आपका टाइम है उस टाइम पर आप पेमेंट करना है, चाहे तो एक दो दिन पहले उसका पेमेंट कर दें। सेकंड, अब आपका सिविल स्कोर खराब हो गया तो ऐसे में आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई ना करें और ना ही नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। जो आपका पहले से क्रेडिट कार्ड बना है उसका तो एक पेमेंट समय पे करें और हो सके तो उसे कम से कम यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट, अपने सिक्योर और अनसिक्योर लोन के बीच एक बैलेंस बना के रखें। ऐसा नहीं आपके पास अगर सिक्योर लोन है तो अनसिक्योर लोन नहीं है, आपके पास सिक्योर लोन भी होना चाहिए और एक अनसिक्योर लोन भी होना चाहिए। तो ऐसे में इन दोनों लोन्स के बीच में आप एक बैलेंस बना के रखना होगा। इन सभी स्टेप्स को ध्यान में रख के आप सिविल स्कोर सुधार सकते हैं। अब बात आती है कि आप अपना सिविल स्कोर कहाँ चेक कर सकते हैं, वो भी फ्री में। पहला है अमेजोन पे, जहाँ पर आप फ्री में सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप पेटीएम ऐप के हेल्प से भी आप अपना सिविल स्कोर जान सकते हैं। अभी पिछले कुछ समय में गूगल पे ने भी ऐसी फैसिलिटीज दे दी है जहाँ पर आप अपना फ्री में सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है और इसे आप फ्री में कैसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके मन में अभी भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपडेट रहें, सुरक्षित रहें।